और निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से कि वे इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें प्रेरणा दें आगे बढ़ने का, हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा। इस पवित्र दिन पर हमारे बीच में हरियाणा विधानसभा के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता, जैसा हम जानते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। और इस अवसर पर हम लोग इस घोषित महज एक अनुशासन एक गवर्नेंस डे की बजाय, सुशासन दिवस की बजाय इसको एक संकल्प के रूप में और हम चलाते हैं। 8 साल पहले मोदी जी ने जब ये घोषणा की थी तो तब लगा होगा कि मात्र एक कार्यक्रम है, लेकिन आज हम सब महसूस करते हैं कि मात्र कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक दिशा हमने ली है कि आखिर शासन के नाते सुशासन इसका भी एक बड़ा महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं, तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं, आज के दिन से शुरू करते हैं और लगातार पूरा वर्ष इसको हम चालू रखते हैं। और इसी प्रकार जैसा आज का ये दिन है तो आज कुछ नई योजनाओं का ये उद्घाटन और शिलान्यास इसका कार्यक्रम रखा है। सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार, इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं सफल प्रयोग के बाद, अब आज से यानी 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507 ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है कि पिछले लगभग 11-12 वर्ष में जब से आईसीसी डाटा बना और आज 2022 11 वर्ष हो गए हैं, बहुत परिवार इस दायरे से ऊपर भी निकले हैं, उन्होंने अपने व्यवसाय अच्छे किए, उनको कहीं नौकरी मिली सरकारी अथवा प्राइवेट, तो ऐसे लोगों को भी अभी तक उसमें से निकाला नहीं गया था। अब चूंकि स्वाभाविक है नए सिरे से हम उसका दायरा तय कर रहे हैं तो कुछ कार्ड उसमें से कटेंगे भी सही, कटने का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है बल्कि सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों को संतोष व्यक्त करना चाहिए कि हम अपनी आय के उस दायरे से ऊपर निकल गए हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है, तो उनके लिए संतोष की खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि उनका विचार ऐसा होता है कि हमें उस बीपीएल के दायरे में से बाहर निकाला गया है, हमारा कोई राशन छूट गया है, तो इसको विचार करने का तरीका दूसरा है। आखिर मेरा अगर छूटा है राशन तो जो गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी जो बीपीएल के नीचे है जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैं आज उन सब लोगों को अपील करता हूं कि इसको इस ढंग से लें, पर उठाएंगे अर्थात उनकी आय बढ़ेगी, उनको जीवन जीने में सुविधा होगी, स्वाभिमान से वो जीवन जी सकेंगे, तो इस प्रकार का संकल्प ये हमको देना चाहिए। इसी प्रकार कुछ और जो योजनाएं हैं जिनका आज शुभारंभ होने वाला है उसके अंदर डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द, अर्थात जो नकल हम पटवारियों के चक्कर काटते हैं वो पटवारियों के चक्कर अब किसी लैंड ओनर को नहीं काटने होंगे, वो ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी अपने सेंटर से और उसकी फर्द को वो ले सकता है।
तीसरा एक योजना और आज शुरू कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ, उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने पर अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा, ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है, तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। एक योजना में हमारा HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उन्होंने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर ये आज शुरू किया जाएगा, और इससे सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर अर्थात नागरिक सुविधा केंद्र, इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी संबंधी, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग के हों, चाहे ULB के हों, चाहे HSVP के हों, किसी प्रकार के सुझाव हैं, कोई उनकी शिकायतें हैं, किसी प्रकार की उनकी यानी बायोमेट्रिक उनका प्रमाणीकरण करते हुए उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट उनको बनवाना है, तो उसका भी सीधा सीधा उनको लाभ इस केंद्र पर मिलेगा। हमने जितने भी इंजीनियरिंग के काम हैं, किसी भी विभाग के हों, चाहे वो PWD के हों, चाहे अथवा और विभागों के जो निर्माण के कार्य विकास के, ठेकेदारों के लिए काम करने के लिए ई टेंडरिंग का इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। लेकिन इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल में भी अगर लोग जागरूक हों, तो विकास के कामों में जो उनको न्यूनता ध्यान में आती है, उसकी शिकायत करने के लिए कॉलोनी, अनधिकृत कॉलोनी, इनकी पहचान की गई थी कुछ, उसके अंदर उसका जो सर्वे करने के बाद, और उसमें RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी एक टेम्परेरी हमने बनवाई है, ताकि कोई ना कोई उसकी जिम्मेवारी ले जो काम वहां करवाने के हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही थी गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला, आज से जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि बहुत विकास हो रहा है। पुलिस का एनफोर्समेंट विंग ये अलग से बनाया जा रहा है, अलग से इसके थाने होंगे, अलग से इनकी जो पुलिस का बल होगा वो अलग से होगा, हालांकि उसी पुलिस बल में ही आना जाना और ट्रांसपी साहब, एक घोषणा इनकी और रह गई है, वो है कि IRB और जिला पुलिस में जो रिक्त पद हैं, 2500 रिक्त पद, इनकी भर्ती का भी इस अगले महीने से ही प्रक्रिया शुरू करके 2500 नए पद ये भर्ती किए जाएंगे। इसी प्रकार चिरायु कार्ड जो हमने पिछले 21 नवंबर को जिसकी घोषणा की थी कि अब 1,80,000 रुपए तक सब परिवारों को चिरायु कार्ड मिलेगा, अर्थात 5 लाख रुपए की जो बीमा, स्वास्थ्य बीमा की योजना, उसके अंतर्गत ये कवर होंगे। अभी तक केंद्र सरकार की योजना में, आयुष्मान भारत में, मात्र 15.5 लाख परिवार ही एलिजिबल थे, अब ये नई योजना में 28 लाख और 89,000, लगभग 29 लाख परिवार, ऐसा जैसे हमने राशन कार्ड में बताया 30 लाख परिवार हैं, तो ये 29 और 30 लाख के बीच ये सब परिवार इस BPL के अंतर्गत आते हैं। इन सबको ये कार्ड वितरण करने का भी काम पिछले 5 लाख पहले बट चुके हैं, आज के दिन जो 6500 स्थानों के ऊपर मैंने बताया, वहां 8 लाख परिवार और बटे, लोगों ने रजिस्टर करा लिया है 1.25 करोड़ लोगों में से, यानी अगर परिवारों का हिसाब लगाएंगे तो ये लगभग और 20-22 लाख परिवार होंगे जिनको, और ये रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। 80 लाख परिवार आज भी सहायता के लिए योग्य माने गए हैं, और 21 नवंबर से लगभग 1 महीना हुआ है, लगभग 5800 लोगों ने इसकी सहायता, इस नई योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर ली है, 11 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया है, तो अर्थात 5800 लोग यदि योजना में नहीं आते तो उनके लिए कई बार ये कठिनाई भी बन सकती थी कि उनको पैसे का खर्च। वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच, पहले बार तो 2 वर्ष शायद लग जाएंगे, क्योंकि इस योजना में उतना इक्विपमेंट, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसके लिए भी समय लगेगा, लेकिन अभी उसको प्रारंभ कर दिया है 80,000 लोगों का, और ये परीक्षण जांच हो चुकी है, जाएगा और सब जिलों में ये जो अपना चिरायु कार्ड है वो भी बांटे जाएंगे। तो नई योजनाओं की लॉन्चिंग ये कुछ की अभी इसके बाद करेंगे, कुछ अपने अपने स्थानों पर लोगों ने उसकी योजना बना करके लॉन्चिंग कर दी है। मेरा सुशासन से अर्थ केवल इतना ही है कहने का कि जो बात हमने 2015 में, रादर 2014 में सुशासन दिवस पहले कार्यक्रम में CM विंडो के रूप में शुरू किया था, और पिछले 8 साल के अंदर इतने कार्यक्रम हमने लागू किए हैं
कि कभी कभी जब मैं अपने नेताओं से, हरियाणा की 2,83,00,000 आबादी है, इसके 5 भाग के हैं आयु के हिसाब से, और आयु के हिसाब से इन हरेक वर्ग की चिंता एक विभाग करेगा, और उस विभाग के बाद उसी को कोई भी कमी आती है, किसी और विभाग से भी काम कराना है, तो वो जो नोडल डिपार्टमेंट है वो उस पूरे डिपार्टमेंट की चिंता करेगा, पूरे वर्ग की चिंता करेगा। जैसे 0 से 6 साल तक, 6 साल से 18 साल तक स्कूल एजुकेशन, 0 से 5, 6 WCD, 18 से 25 ये हायर एजुकेशन, 25 से लेकर के 60 साल तक ये जो हमारा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, रोजगार देने वाले डिपार्टमेंट, वो उनको रोजगार चाहिए उस प्रकार का वो करेंगे। 60 से और जो जीवन जितना भी व्यक्ति का चलता है, हमने 120 साल तक के भी आयु के लोग ऐसे ढूंढे हैं, ऐसे सबका जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, वो इस पर काम करेगा। हमारे यहां मैंने एक आंकड़ा देखा, 100 से लेकर 120 साल तक के भी 4,038 लोग अभी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, 4,038, 100 से 120 साल देखा जाए तो इस मामले में हम जापान से भी आगे हैं। जापान में लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी आयु के लोग वहां रहते हैं, हमारे हरियाणा में उससे भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन उनकी चिंता भी हमको करनी होगी। तो इस प्रकार, और इस बार 2023 का जो वर्ष आने वाला है, इसका नाम हम रख रहे हैं अंत्योदय आरोग्य वर्ष। अंत्योदय वर्ष अर्थात ये जो 1,80,000 रुपए वार्षिक आय के जो लोग हैं, बीपीएल जिनको हम कहते हैं, इनकी इनका रोग कैसे, यानी आरोग्य कैसे रखा जाए, इनको स्वस्थ कैसे रखा जाए, बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। और उन योजनाओं में हमारा जो स्वास्थ्य का 13,000 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, इतने और चाहिए, 14,000 डॉक्टर और चाहिए, ताकि हम इन सरकारी डॉक्टर्स का उपयोग जनता की सेवा के लिए हम कुछ कर सकें। आयुर्वेद की पद्धति से आयुष के लोग हैं, ऐसा बहुत हर एक विभाग के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, मॉड्यूल्स बना रहे हैं, एप्स बना रहे हैं, हर विभाग की वेबसाइट बन रही है, हर एक विभाग का कोई ना कोई डैशबोर्ड ये बना रहे हैं, हर एक का कोई पोर्टल बना रहे हैं। इन सब पोर्टल्स पर जानकारी इकट्ठी करके, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट तरीका इन सब चीजों में से आता है, और आपकी जानकारी के लिए मैं स्वयं CM डैशबोर्ड नाम से एक कक्ष मेरे यहां बना हुआ है, उसमें हर एक विभाग की जानकारी मैं उसमें से लेता हूं, कौन से जानकारी की प्रोग्रेस क्या चल रही है, पिछला इतिहास क्या है, हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। की अपेक्षा जो किसान है, जो लेबर करता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है वो, लेकिन आखिर परिवार तो उसका भी है, अधिकार तो उसका भी है, उसके मुकाबले में हमें बहुत कुछ मिलता है। तो जब इतना सब मिलता है, हमारे सबके मन में ये भाव जागृत होना चाहिए कि मुझे जो मिलता है तनख्वाह के रूप में, प्रसाद के रूप में, उसी से अपनी मुझे योजना बना करके उसके लिए मुझे काम करना है। तो ये भाव, इसके अंदर एक्सीडेंट्स होने की बहुत बात आती है। वृक्ष साहब थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि एक सूचना मैं दे रहा हूं सबको, पूरे प्रदेश के लोगों को, सावधानी बरतें, धुंध में कहीं एक्सीडेंट ना हो, तो इस प्रकार का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है सुरक्षित।